हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ रहे आवारा पशुओं की समस्या से आमजन को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नेशनल हाईवे से लेकर ग्रामीण व शहरी इलाकों में बेबस व लाचार घूमते इन पशुओं पर आज तक प्रदेश सरकार के किसी भी नुमाइंदे की नजर नहीं गई है। वहीं इनकी बेबसी और लाचार को देखते हुए बिलासपुर के एक समाज सेवी सुनील शर्मा ने एक अनोखी पहल शुरू की है और सड़कों पर घूम रहे बेसहारा पशुओं के सिंगों पर टैग लगाकर उनकी गुहार प्रदेश सरकार तक पहुंचाने के लिए टैगिंग अभियान की शुरुआत की है। हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ रही आवारा पशुओं की समस्या से आमजन को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नेशनल हाईवे से लेकर ग्रामीण व शहरी इलाकों में बेबस व लाचार घूमते इन पशुओं पर आज तक प्रदेश सरकार के किसी भी नुमाइंदे की नजरें नहीं गई हैं, जिसके चलते आए दिन ये आवारा पशु या तो खुद दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं या फिर दुर्घटना का कारण बनते हैं। वहीं इनकी बेबसी और लाचारी को देखते हुए बिलासपुर के एक समाज सेवी सुनील शर्मा ने एक अनोखी पहल शुरू की है और सड़कों पर घूम रहे बेसहारा पशुओं के सींगों पर टैग लगाकर उनकी गुहार प्रदेश सरकार तक पहुंचाने के लिए टैगिंग अभियान की शुरुआत की है। अपने इस अभियान के संबंध में जानकारी देते हुए सुनील शर्मा ने बताया कि बिलासपुर सहित पूरे प्रदेश में आवारा पशुओं की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर प्रदेश की पूर्व सरकारों से लेकर वर्तमान सरकार द्वारा कोई ठोस रणनीति नहीं बनाई गई, जिसका नतीजा आवारा पशुओं की संख्या का लगातार बढ़ना है, जिसको देखते हुए उन्होंने बिलासपुर जिला में ये अभियान शुरू किया है और 100 से अधिक आवारा पशुओं को टैग लगाए हैं और आगे भी उनका ये अभियान जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा इस दिशा में ठोस कदम न उठाए जाने पर अगले सप्ताह अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने की चेतावनी भी दी है, जिसकी जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासन और प्रदेश सरकार के होने की बात कही। हिमाचल प्रदेश की सड़कों पर जिस तरह से हजारों गोवंश लावारिस बढ़े हैं, उसी आंकड़े के आधार पे हम जिला बिलासपुर की अगर हम बात करें तो 770 पशु जिला बिलासपुर में लावारिस घूम रहे हैं। हमने ये जो स्लोगन का अभियान, ये जो टैटूइंग लगाने का अभियान छेड़ा है, ये अभियान हमने इनके दुख को, दर्द को सरकार के आगे और जिला प्रशासन के आगे बताने की चेष्टा की है कि इनके दुख को दूर कीजिए। हमने कई बार आपको ज्ञापनों के माध्यम से ये बताने की चेष्टा की है कि आप इनके लिए कोई ठोस नीति बनाइए, लेकिन आप असफल रहे हैं, क्योंकि आज विशालकाय बैलों से जिस तरह से हिमाचल प्रदेश की सड़कें बढ़ी हैं, उस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि आपके पास कोई योजना नहीं है कि आप गौवंश को कहीं आश्रय दिला सकें। हमने गौवंश के विषय आपके सामने रखा, आप उसके ऊपर कार्रवाई करने का दावा करते रहे, आप गौशालाओं में इस समस्या के निदान को ढूंढते रहे, लेकिन वर्तमान में हम ये देख रहे हैं कि ये महामारी फैलाते सड़क के किनारे घायल अवस्था में पड़ा गौवंश आपकी उन कार्यों के ऊपर जो है प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। ये जो हमने टैगिंग अभियान छेड़ा हुआ है, इसमें तकरीबन अभी तक हमने 100 गौवंश के टैगों के माध्यम से उनके दर्द को जो है सरकार के आगे पहुंचाने की चेष्टा रखी है और की है, और ये अभियान निरंतर अगले एक हफ्ते तक और जारी रहेगा। सरकार इसके ऊपर सकारात्मक कदम नहीं उठाती है तो हमारे इस चेतावनी को स्वीकार करें कि अगले हफ्ते से हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की मैं जो शुरुआत करूंगा वो आपके नियंत्रण से बाहर होगी और उसकी उत्तरदायी हिमाचल सरकार और जिला प्रशासन होंगे। कार्यक्रम में वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी प्रदेश की गतिविधियां।